सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1,807 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर $22.6 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड एक बार फिर से $1,800 के ऊपर निकला है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में लाल निशान पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल कल के मुकाबले भी आज कुछ यहां पे सोने चांदी की कीमतों में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। दरअसल ये जो रशिया यूक्रेन यूरोप US के बीच जो तनाव चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों को यहां पर सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। दूसरा ये जो डॉलर है, डॉलर में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर एक हफ्ते के लो पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में हल्का सा यहाँ पर सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और डॉलर में गिरावट की जो आई है, उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों को आज सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। इसी के बाद साथ बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि WTI $87 पर आधे फीसदी की गिरावट के साथ, वहीं ब्रांड क्रूड ऑयल $89 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर भी आधे फीसदी की गिरावट बनती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि कच्चा तेल की कीमतों में भी यहां पे आज गिरावट के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, हल्की सी करेक्शन बनी है, लेकिन जो लेवल्स हैं वो पहले वाले ही हैं। अभी भी WTI थोड़ा टूटा है। WTI कल को $88 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा था। यहीं से ब्रांड क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि $89 पर अभी भी सस्टेन हो रखा है। आपको बता दें कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो रखी है, उसमें कमी देखने को मिल रखी है। हालांकि जो सप्लाई है वो कम हो रही है और जो डिमांड है डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा, ये जो ओपेक की जो बैठक हुई थी बुधवार को, उसमें बोला तो ये कि जा रहा है कि ओपेक को उसके सहयोगी देशों को अब यहाँ से कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। मार्च में बोला जा रहा है कि मार्च में 400,000 बैरल पर डे का जो पहले टारगेट सेट किया गया था वो बढ़ा दिया जाएगा। अभी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र में कच्चे तेल में, सोना चांदी में, बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आज कुछ हल्के से सपोर्ट के साथ ट्रेड करते नजर आए हैं। हालांकि लाल निशान दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ सपोर्ट भी मिलता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आज सोने चांदी की कीमतों में यहां से फिर से रौनक लौट सकती है? देखिए, आज जहां तक सोने और चांदी की बात है, बिल्कुल सोने और चांदी के अंदर आज बाइंग देखने को मिल सकती है। और अभी हम देख रहे हैं कि 1800 के ऊपर एक बार सोना फिर से निकल चुका है, तो $1,820 तक की एक बार अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी तरह चांदी में भी आज तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन जरूर मिली है, लेकिन लेवल्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं आज भी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कच्चे तेल में थोड़ी करेक्शन गहराएगी या फिर आज भी यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी का रुख देखने को मिलता रहेगा? देखिए, छुटमुट प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि ऊपरी स्तरों पर एक बार देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ओपेक प्लस देशों की तरफ से मार्च में जो है वो सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, तो उसके चलते थोड़ा सा बाजार जो है करेक्शन जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज इंट्राडे में करेक्शन आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार WTI $90 का लेवल टच कर सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं मिला जुला सा रुझान है। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में आज इंट्राडे में कैसा रुख रहेगा?
देखिए बेस मेटल में मिला जुला रुझान जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बेस मेटल जो है वो भी पॉजिटिव है और बाजारों के अंदर अभी एक तेजी का रुझान बेस मेटल्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लगातार बाजार जो है वो बाइंग में ही देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर आगे चलकर तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं शानदार बढ़त देखने को मिल रही है, आधे फीसदी की करेक्शन भले ही है लेकिन $5.3 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। नेचुरल गैस काफ़ी मंथ्स के हाइस पर देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में नेचुरल गैस में क्या ऐसा ही रुझान देखने को मिलता रहेगा तेजी वाला? देखिए अभी जो नेचुरल गैस में तेजी देखने को मिल रही है, दरअसल विंटर सीजन की एक डिमांड पिकअप हुई जिसकी वजह से बाजारों में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है। और अभी आज इंट्राडे में आप देखिए बाजार खुलते ही ऊपर से 1 से 1.5% लुढ़का हुआ है। अब यहाँ पर तेजी सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक बार नीचे में मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 380 तक लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आज इंट्राडे के लिए आप नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा कर चल सकते हैं? देखिए नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो आज मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में ही बाइंग में रहना चाहिए। कॉपर आज 760 के ऊपर अगर निकलता है तो 768 तक की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर है, निकल है, इन सब में बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।